रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नाश हो चुका है, अगर कैप्टन अजय यादव के बेटे चुनाव जीत गए तो वो मंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इंद्रजीत ने बागी हुए रणधीर सिंह कापड़ीवास पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया था, इस बार दूसरे को टिकट मिल गया तो मैं उनके लिए नकली हो गया। तो भाई आज रणजीत सिंह का मैं नाम ले लेता कि रणजीत सिंह को टिकट दे दो और रणजीत सिंह को टिकट मिल जाती तो बीजेपी बहुत बढ़िया। तो क्या इंद्रजीत सिंह बीजेपी का सोने का घड़ा हुआ मारा? और रणजीत सिंह को टिकट नहीं मिली और सुनील को मिल गई तो इंद्रजीत सिंह नकली? भाई चार बार आप पहले इलेक्शन लड़ चुके हो, हमने आपकी मदद करी है। आपने ये कहा था कि पहली बार हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, नए पार्टियों को लगाओ लगने दो। वो कैबिनेट वाली क्यों बात कर रहे हो?